जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो रीडिंग है ये है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, और इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि क्या SSR को किडनैप किया गया था, क्या उनको धोखे से किडनैप करके लेकर गए थे और ट्रैप किया था और फिर उनकी बाद में हत्या कर दी गई। तो यही चीज हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या SSR को किडनैप किया गया था, वॉज ही कॉल्ड एंड देन किडनैप्ड बाय दीज पीपल। क्या इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को किडनैप किया था, यही हम जानेंगे आज की इस रीडिंग में। और मैं यहाँ पे शाउट आउट देना चाहूंगी स्वास्तिक फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर को, वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर इन इंडिया। आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फिजियोथेरेपी रिक्वायरमेंट है तो। और मैं यहाँ पर आप सबको थैंक यू करना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी आपके सपोर्ट के लिए, जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया है। और आप प्लीज, जैसे आप टीम SSR वॉरियर 369 को लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, वैसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। जो चैनल है वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही है, और उसके थ्रू हम आवाज उठाएंगे SSR को जस्टिस दिलाने के लिए, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा हम सबके लिए। तो प्लीज, मैं लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप जाइएगा, और जितने भी SSR वॉरियर्स हैं प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और पता करते हैं कि क्या SSR को किडनैप किया गया था। लेट्स फाइंड आउट। सुशांत सिंह राजपूत वॉज किडनैप्ड, प्लीज टेल मी इफ ही वॉज किडनैप्ड अनोइंगली, वॉज ही किडनैप्ड बाय द मर्डरर्स, वॉज ही किडनैप्ड, वॉज ही टेकन टू द फार्म हाउस और द अननोन लैंड, एंड वॉज ही किडनैप्ड, प्लीज टेल मी इफ SSR वॉज किडनैप्ड, प्लीज टेल मी इफ SSR वॉज किडनैप्ड, प्लीज टेल मी इफ SSR वॉज किडनैप्ड। तो यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को किडनैप करके एक आइसोलेटेड जगह पर ले जाया गया था जो पूरी तरह से बंद है, एक प्रिजन की तरह है। आप देखिए यहाँ पे जो ये पर्सन है, ये यहाँ बैठा हुआ है अकेला एक रूम के अंदर, और ये पूरी तरीके से बंद है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज तो लग रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को किडनैप करके लेकर गए, लेकिन ये जो कार्ड है ये यहाँ पे बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत को किसी और बहाने से लेकर जाया गया है। ये जो भी जगह थी वहां पे धोखे से लेकर गए हैं सुशांत सिंह राजपूत को, शायद ये बोलकर ले गए हैं कि वहां पे कुछ समय रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, कुछ ऐसा बोल करके कोई ऐसी पर्सन ने उन्हें ये चीज बोली है। ये जो भी लेडी है, हो सकता है जिसको अपना समझते थे या कुछ ट्रस्ट करते थे, उसने सुशांत सिंह राजपूत से कहा कि हम इस जगह पर चलते हैं, कुछ समय के लिए जाएंगे और हम आ जाएंगे, लेकिन वहां फिर उन्हें ट्रैप कर लिया गया, ऐसा यहाँ पर अभी तक लग रहा है। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। वॉज ही किडनैप्ड अनोइंगली, वॉज ही किडनैप्ड, ये देखिए यहाँ पे आ गया है फार्म हाउस। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सुशांत सिंह राजपूत को धोखे से इस फार्म हाउस पे ले जाया गया। आप देखिए पूरी तरीके से बिल्डिंग बंद है, ये दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, तो ये जो है पूरी तरीके से बंद है बिल्डिंग। और यही मैं आपसे यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को किडनैप करके ऐसी जगह पर ले जाया गया जैसे ये बिल्डिंग है, जिसमें ये पूरी तरह से बंद हो गए। और ये किसने किया है, किसी की बातों में ये आ गए, कोई ये लेडी थी, जो भी ये पर्सन था जिनको ये ब्लेसिंग समझते थे, जो इन्हें कोई फीमेल हो, मेल भी हो सकता है, तो इसकी बातों में आकर के सुशांत सिंह राजपूत इस जगह पर चले गए, या फिर इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को डरा धमका करके सडन डिसीजन सुशांत सिंह राजपूत ने लिया और वो चले गए इनके साथ। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत क्यों गए, क्यों उन्होंने तुरंत उनके ऊपर यकीन कर लिया और वो चले गए, ऐसा क्यों हुआ? कार्ड्स प्लीज टेल मी व्हाई ही ट्रस्टेड देम, क्यों उन्होंने उन पर विश्वास किया? ओके, क्योंकि ये जो भी थी, जो ये लेडी थी, ये एनजीओ से कनेक्टेड थी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सुशांत सिंह राजपूत उसको एक ब्लेसिंग समझते थे, अच्छा समझते थे, तो जो भी ये विमेन थी, जो भी लेडी थी, ये कहीं ना कहीं एनजीओ से कनेक्टेड थी। आप देखिए जैसे ये पर्सन है एनजीओ से कनेक्टेड है, ये बच्चे हैं यहाँ पर, और ये कहीं ना कहीं जो विमेन थी, जो लेडी थी, वो इस एनजीओ से कनेक्टेड थी। ये कार्ड हमेशा से एनजीओ से ही मैंने कनेक्ट किया है, और यहाँ पर ये जो आप व्हाइट क्रीचर देख रहे हैं, ये सब जैसे बच्चे हैं वहां पर एनजीओ में, और कोई पर्सन है वहां पे चैरिटी कर रहा है या उनका ख्याल रख रहा है, तो ऐसा कोई पर्सन है। तो ये सारे बच्चे जो है, ये जो एनजीओ है, इससे कनेक्टेड थी जो ये लेडी थी, इसलिए सुशांत इसकी बातों में आ गया। अभी हम यहाँ पे और थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को किडनैप जो किया गया, ये इस लेडी का क्या रोल था, ये लेडी ही लेकर गई थी सुशांत को। यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर से यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है, फिर से चाइल्ड ट्रैफिकिंग का ही रैकेट दिख रहा है यहाँ पर, और ये देखिए एक सांप है जिसके ऊपर ये बच्चा खड़ा है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस लेडी से ये कहा था कि जो भी ये चीजें हो रही हैं इसको ये एक्सपोज करेंगे, क्योंकि एक सांप के ऊपर ये बच्चा खड़ा है और जो ये विंग्स आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं SSR की स्पिरिट है। तो ये सुशांत ने, हो सकता है कि इस लेडी को जो ये एनजीओ से कनेक्टेड है, इससे ये कहा हो
कि मैं इन लोगों को एक्सपोज करूंगा जो भी ये लोग गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो ये चीज सुशांत ने कही हो, और फिर ये जो लेडी है ये सुशांत को अपने साथ ले गई हो जिसको वो ब्लेसिंग समझ रहे थे। कार्ड्स प्लीज टेल मी अबाउट दिस लेडी हुम एसएसआर ट्रस्टेड। ये कार्ड आया है हमें, विक्ट्री का कार्ड आया है, और ये गाड़ी गाड़ी का जो पहिया, जैसे कि मैंने कहा मर्सिडीज गाड़ी जो थी उसमें सुशांत को ले जाया गया। तो यहां मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो भी ये लेडी थी ये गाड़ी में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर गई, और सुशांत सिंह राजपूत एग्री कर गए क्योंकि ये कहीं ना कहीं एनजीओ से कनेक्टेड थी और ये एनजीओ से रिलेटेड ही कोई बात थी। तो यहाँ भी विश्वासघात हुआ है एसएसआर के साथ, डेफिनेटली विश्वासघात हुआ है, और किसी ने धोखे से उनको किडनैप किया है, धोखे से उनको इस आइसोलेटेड जगह पर लेकर चले गए हैं, धोखे से इस फार्म हाउस पर लेकर चले गए हैं। तो क्या जब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जा रहे थे गाड़ी में मर्सिडीज में, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये गाड़ी के पहिए की तरफ इशारा हो रहा है, ये सुशांत सिंह राजपूत का हाथ है और जैसे वो इस शॉर्ट से इस गाड़ी के पहिए की तरफ ही इशारा कर रहे हैं अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत को जब गाड़ी से लेकर जा रहे थे तो क्या सुशांत सिंह राजपूत को बेहोश कर दिया था इन्होंने, क्या एसएसआर को पता चला था कि उनको लेकर जा रहे हैं। ओके कार्ड्स निकल रहे हैं, जानते हैं कि एसएसआर को पता चल गया था। देखो यहां पर अगर हम देखें तो सुशांत सिंह राजपूत जब गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे उसी समय उनके ऊपर अटैक हो रहा था। यहाँ पे देखिए बर्ड्स आपको दिख रही होंगी जो लगातार इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और एसएसआर ने भी उनके साथ हाथापाई हुई है, उनके साथ हाथापाई हुई है, ये चीज यहाँ पर दिख रही है गाड़ी के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चीज जो थी इसको स्टॉप, इसको हाइड किया गया, इसको नहीं पता लगने दिया गया। तो इस कार्ड पे भी हम थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं, पर इतना है कि गाड़ी में सुशांत सिंह राजपूत को पता चल गया था कि उन्हें किडनैप करके लेके जा रहे हैं, और यहां पर भी वही कार्ड आया है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत तब तक काफी देर हो चुकी थी और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, गाड़ी में कंट्रोल कर लिया था एसएसआर को। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पर्सन की आंखें जो है वो बंद है, तो यहाँ हो सकता है कि सुशांत की आंखों पर पट्टी बांध करके ये लोग लेकर गए हैं उस जगह पर, क्योंकि आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें सुशांत को वो जो जो बिल्डर है वो उसको सुशांत को धक्का मार रहा है और गाड़ी में बिठा रहा है और लेके जा रहा है। तो इस तरीके से इन लोगों ने सुशांत को आंखों पे पट्टी बांध करके लेकर गए हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है, बिकॉज इसकी आईज क्लोज है इस पर्सन की, तो डेफिनेटली आंखों पे पट्टी बांध करके ही फार्म हाउस तक लेकर गए हैं। लेकिन रास्ते में सुशांत को इनकी रियलिटी पता चल चुकी थी, और जब रियलिटी पता चल गई तो उन्होंने सुशांत को फिर भी किसी तरीके से हाथापाई भी हुई लेकिन सुशांत को ओवरपावर कर दिया और उन्हें लेकर गए हैं। अब कुछ कार्ड्स और निकले हैं बट इनमें बस यही कार्ड हम कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे सिचुएशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, सुशांत उस सिचुएशन में डोमिनेट हो गए इन लोगों के थ्रू। तो यहाँ पर यही लग रहा है कि सुशांत को ये लोग किडनैप करके लेकर गए हैं, और कोई ये फीमेल है, डेफिनेटली कोई फीमेल है, ये एनजीओ से ही कनेक्टेड है, इस फीमेल का कनेक्शन एनजीओ से है, और उस एनजीओ में ये जो फादर, ये जो इसका राजा का बेटा है उसका भी कनेक्शन है उसी एनजीओ से। तो डेफिनेटली इन लोगों ने अपना षड्यंत्र रचा और सुशांत को कॉन्फिडेंस में लेकर के इस आइसोलेटेड जगह पर ले गए। लेकिन यहाँ पे एक जो मेन बात थी वो कहती कि सुशांत की आईज जो थी वो क्लोज थी, हो सकता है कि उसको या तो सिडेट कर रखा हो या फिर उसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी हो, कुछ ऐसा कर रखा था जिसकी वजह से सुशांत नहीं देख पाए। और यहाँ पे सुशांत को जब थोड़ा शक हुआ था उनके ऊपर तो सुशांत ने थोड़ा फाइट भी डेफिनेटली किया होगा उन लोगों से, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, फाइनली ही वो पहुंच गए उस फार्म हाउस के अंदर, ऐसे उन्हें बंद करके रखा गया प्रिजन में, जैसे प्रिजन में बंद करके रखते हैं। और यहाँ पे ये इनकी विक्ट्री थी, और सुशांत की स्पिरिट कहीं ना कहीं बताना चाह रही है कि जो गाड़ी है उस गाड़ी से कनेक्टेड है, इनकी जो डेथ हुई है, इनको जो मारा गया है उस गाड़ी से कनेक्टेड है, ट्रैवलिंग डेफिनेटली हुई है, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। तो सुशांत की हत्या से पहले ट्रैवलिंग हुई है, तो सुशांत को लेकर गए हैं, यानी कि वो जो गाड़ी है उसमें बिठाकर सुशांत को किडनैप करके किसी भी तरीके से किसी भी बहाने से लेकर के गए हैं। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है कि ट्रैवलिंग हुई है। यहाँ पे एक बर्ड भी है जो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को, उड़ने को, इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये फार्म हाउस है, ग्रीनरी है इसके पास, यहाँ पे इसके बीक में ग्रीनरी है। तो डेफिनेटली सुशांत को ट्रैवलिंग यहाँ पे हुई है, उनकी डेथ से पहले उनको ट्रैवल कराया गया है, उनको लेकर गए हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और वो जगह कोई और नहीं है, वो जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे उन्हें ऐसे बंद करके रखा गया,
और फिर वहां पे उन पे अटैक भी उनके ऊपर हुआ है। ये पूरी तरह क्लोज्ड है, इसमें किसी को एंट्री नहीं है। आप समझ रहे हैं ये कौन सी जगह है, करजात फार्म हाउस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं है। तो सुशांत को किडनैप करके करजात फार्म हाउस ले जाया गया, और इसको ऐसा करने में किसने सबसे ज्यादा मेन रोल जो प्ले किया है, वो रिया चक्रवर्ती का यहाँ पे मेन रोल लग रहा है कि उसकी बातों में आकर के ही सुशांत चलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, एक लेडी है जो इसे ब्लेस कर रही है इस पर्सन को, और यहाँ पे रिया भी हो सकती है, ये एनजीओ एनजीओ से कनेक्टेड या फिर कोई और हो सकती है। तो कुल मिला के ये कोई लेडी ही है जिसकी जिसकी बातों में सुशांत आ गए और जो एनजीओ से कनेक्टेड है। तो यही चीज मुझे यहाँ पे देखनी थी। काफी सारे व्यूअर्स ने ये सवाल पूछा था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को किडनैप किया गया था, क्योंकि मनसुख हिरेन के केस में भी यही चीज सामने आ रही है कि मनसुख हिरेन को लेकर गए थे ऐसे गाड़ी में, और फिर रास्ते में क्लोरोफॉर्म सुंघा के फिर उन्हें क्रीक में डाल दिया गया, उनको रुमाल उनके मुंह पे लगा के और मास्क पहना के। तो यही चीज व्यूअर्स जानना चाहते थे, तो इसीलिए मैंने ये रीडिंग करी। आई होप यू लाइक द रीडिंग। और भी कोई आपको रीडिंग चाहिए एसएसआर के बारे में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली रीडिंग करूंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीम एसएसआर वॉरियर 369 को और इस चैनल को भी। एंड इफ यू वांट अ पर्सनलाइज रीडिंग मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।